हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जनको के स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल फिजिक्स का दोस्तों पार्ट नंबर 9। इसके पहले दोस्तों आपको 8 पार्टों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, यदि आपने उनको ना देखा हो तो उनको भी आप जरूर देख लें दोस्तों। तो यहाँ पर हम भाग नंबर 9 की बात करेंगे। शुरू करने के पहले दोस्तों एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर दिखाई देता है, तारों का अलग अलग रंग डेडेस के कारण होता है, अर्थात आपको बताना है द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स ड्यू टू। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने तारों को देखा होगा, स्टार्स जो होते हैं दोस्तों उनका डिफरेंट कलर होता है। यदि आप बात करें दोस्तों, ये आपको दिखते हैं रेड या ब्लू, या फिर आपको दिखते हैं येलो, या फिर आपको दिखते हैं ग्रीन। तो इनका रीज़न क्या होता है? इनका रीज़न होता है दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस, अर्थात अलग अलग प्रकार का तापमान होगा दोस्तों तो उनका अलग अलग प्रकार का रंग होता है। यदि आप बात करें जो रेड वाला होता है, रेड वाला दोस्तों होता है आपका कूलेस्ट, कूलेस्ट होता है अर्थात सबसे ठंडा वाला होता है, तो आपका रेड कलर का दिखेगा। और वैसे दोस्तों आपका जो ब्लू वाला होता है, ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है हॉटेस्ट, अर्थात जो आपका सर्वाधिक गर्म वाला होगा वो आपको नीले कलर का अर्थात ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर रीजन होता है। तो ये बार बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन दोस्तों, इसके आधार पर क्या आता है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, अर्थात जो तारों का बनना होता है उसका रीजन क्या होता है। तो उसका रीजन होता है दोस्तों ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बनते हैं। तो ये रीजन आपको मेनली आपको तारों के आधार पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दोस्तों टेम्परेचर में आप टेक कर देंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें गमन नहीं कर सकती हैं, अर्थात आपको बताना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रो। यदि आप बात करें दोस्तों वेव्स की, पहले आपको बताते हैं प्रकारों को। यदि आप बात करें वेव की, वेव अर्थात तरंग, तरंग मतलब दोस्तों आपकी किस प्रकार की होती है, इस प्रकार के फॉर्म में चलती है लगातार, एक प्रकार से आप कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो लगातार इस प्रकार से चलती है। तो अब यहाँ पर देखिए मेनली दोस्तों दो टाइप की, इनिशियली यदि आप बात करें तो दो टाइप की होती है, इनमें होती है दोस्तों पहली वाली आपकी मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स, अर्थात यांत्रिक यांत्रिक तरंगे कहते हैं आप इनको। दूसरी टाइप की होती है दोस्तों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यदि आप बात करें दोस्तों यांत्रिक तरंगों की, इनको दोबारा से डिवाइड किया गया है दो भागों में। पहला भाग आपका जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, यही आपको पूछा गया है, अर्थात अनुदैर्ध्य आप कहते हैं इनको, अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरा टाइप होता है दोस्तों आपका ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स टाइप होता है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर कहते हैं आप इसको अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। और वैसे यदि आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, यहाँ पर क्या आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप क्या आएंगे माइक्रो माइक्रोवेव्स हो गया, या फिर आपका एक्सरे हो गया दोस्तों, या फिर आपका अल्ट्रावायलेट हो गया, या फिर आपका आई आर रेज हो गया, या फिर आपका रेडियो वेव्स हो गया। तो ये सारी की सारी क्या आ जाएंगी, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया है वो आपको मैकेनिकल का दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वाला टाइप पूछा गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, देखिए इनको मीडियम की आवश्यकता होती है, अर्थात माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे केवल दोस्तों मीडियम में ट्रेवल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें दोस्तों साउंड का वेव जो होता है, साउंड वेव दोस्तों क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। और वैसे यदि आप बात करें दोस्तों अनुदैर्ध्य में अर्थात ट्रांसवर्सल में, इनके लिए होती है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं जो आपके प्रकाश का जो फॉर्म होता है वो भी आपका होता है, और साथ में दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो वाटर वेव होती है वो भी एक प्रकार से ट्रांसवर्सल होती है। इनका जो मोशन होता है दोस्तों आपका इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से चलती हैं। यदि आप एक रस्सी को यूं घुमाएं तो इस प्रकार से आपको जो साइकिल मिलते हैं वो आपके दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल कहलाते हैं। यदि आप ट्रांसवर्सल की बात करें तो ये यहाँ पर इस प्रकार से चलती है, अर्थात यदि आप रिंग को देखें जो एक चूड़ी होती है एक कील में, तो उस प्रकार से दोस्तों लगातार उसके परपेंडिकुलर दोस्तों इनका मोशन होता है। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वैक्यूम अर्थात निर्वात, क्योंकि निर्वात में दोस्तों गमन नहीं कर पाती, क्योंकि निर्वात कहने का मतलब है दोस्तों वहां पर कोई भी माध्यम नहीं होगा, ना ठोस होगा ना द्रव होगा ना ही गैस होगी। तो ऑप्शन नंबर पहले वाले में आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग डेडेस प्रदूषण को नियंत्रित करने में किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। यदि आप बात करें दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अर्थात ये क्या होता है दोस्तों, इसको आप हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र,
स्थिर, विद्युत, अवक्षेपित्र। ये दोस्तों एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल फिल्टरलेस डिवाइस होती है दोस्तों, अर्थात एक प्रकार से इसमें फिल्टर का यूज नहीं होगा। इस प्रकार की एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, और ये क्या कार्य करती है दोस्तों, ये करती है जो आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर स्मोक कहें दोस्तों, स्मोक के पार्टिकल होते हैं, उनको क्या करेगी, उनको दूर करती है, अर्थात उनको गैस में से, जो गैस होगी घूमने वाली गैस होगी, वहां पर तैरने वाली होगी, जो फ्लोविंग गैस होगी, उसमें से दोस्तों डस्ट के पार्टिकलों को या फिर जो आपके स्मोक के पार्टिकल हैं उनको दूर करती है। अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों गैस में जो पॉल्यूशन होता है उसको क्या करती है, उसको साफ करती है, या फिर आप कहें उसके जो अवक्षेपित्र होता है, जो पीपीटी होता है, उसको साफ करती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एयर पोल्यूशन को साफ करती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायनेमो एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, अर्थात आपको बताना है डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग। अब यहाँ पर देखिए कन्वर्टिंग वाला दोस्तों जरूर आता है क्वेश्चन आपका, वो हो सकता है आपका केमिकल वाला आए या फिर आपका मैकेनिकल आए या इलेक्ट्रिकल आए। यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया डायनेमो का, जो डायनेमो होता है दोस्तों एक प्रकार की डिवाइस है, एक प्रकार का आप जनित्र कह सकते हैं, जनित्र होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट को दोस्तों प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका यहाँ पर जनित्र का कार्य होता है। ये खास तौर पर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार की एक सिलेंड्रिकल ऊपर से एक प्लेट होती है और ये लगातार क्या करती है, घूमती रहती है। तो जो घूमना हुआ दोस्तों क्या हुआ, वो एक प्रकार से मैकेनिकल वर्क हो गया, मैकेनिकल वर्क हो गया, अर्थात एक प्रकार से क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, यांत्रिक कार्य या फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तो इसके किनारे में दोस्तों ब्रश लगे रहते हैं और बाद में इससे क्या होता है, एक प्रकार से करंट प्रोड्यूस होती है, अर्थात इलेक्ट्रिकल करंट आप कहेंगे, अर्थात दोस्तों आप कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये दोस्तों खास तौर पर आपकी डीसी होती है, डीसी अर्थात आपको इससे क्या मिलेगी, डायरेक्ट करंट मिलती है, अर्थात विद्युत धारा आपको प्राप्त होती है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी थी उससे दोस्तों आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त किया, तो इसको आप क्या कहेंगे, कन्वर्टर कहेंगे। काहे से दोस्तों, तो आप कहेंगे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो यहां पर दोस्तों आपके यहां पर हो जाएगा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। वैसे आप यदि बात करें दोस्तों जो हीट होती है, हीट को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करेगा, इसको करेगा दोस्तों आपके जो सौर सेल होते हैं, जो सौर सेल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं। और वैसे ही यदि आप बात करें दोस्तों जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कौन बदलेगा, इसको बदलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल जो होते हैं उनमें दोस्तों आप देखिए सेल में हमेशा क्या होती है, अंदर से केमिकल एनर्जी होती है और बाहर दोस्तों क्या देते हैं, डीसी देते हैं, अर्थात यहाँ पर करंट को देते हैं। तो आप कह देंगे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। वैसे आप बात करें दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिकल चेंज करें, अर्थात आप विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में दोबारा से बदलें, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होती है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल जो मोटरें होती हैं वो सारी की सारी दोस्तों क्या होती हैं, एक प्रकार से विद्युत को यांत्रिक में बदलती हैं। तो यहाँ पर आप कर देंगे ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, अर्थात आपको पूछा गया है इन द एटमोस्फियर यूवी रेज अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब्ड बाय। यदि आप बात करें दोस्तों वातावरण में यूवी रेज की, जो कि बहुत हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए, यूवी अर्थात दोस्तों पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, ये दोस्तों क्या है, आपने देखा था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जो होती हैं, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, अर्थात जो हानिकारक होती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य से निकलने वाली होती हैं और इनको रोका जाता है ओजोन के द्वारा, जो कि दोस्तों कौन सी वाली लेयर में होती है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, अर्थात क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ओजोन क्या करती है, ये दोस्तों आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थात उनको अवशोषित कर लेती है। तो इससे यूवी किरणें यहाँ पर पृथ्वी तक कम आ पाती हैं, तो आप कह देंगे यहाँ पर ओजोन के द्वारा। और वैसे दोस्तों यदि आप बात करें ओजोन को, जो हानि पहुंचाने वाली गैसें होती हैं उनमें आपका होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन खासतौर पर, और इसके ही द्वारा दोस्तों लगातार जो ओजोन परत है उसमें होल होते जा रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब एक सरल लोलक की लंबाई को आधी कर दी जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाता है, अर्थात आपको बताना है इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स पीरियड बिकम। दोस्तों यदि आप बात करें पेंडुलम, आपको पहले भी बताया जा चुका है जो सिंपल पेंडुलम होता है दोस्तों, सिंपल पेंडुलम अर्थात जो सरल लोलक होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप एक आधार को लेते हैं जो कि आपका होना चाहिए फ्रिक्शनलेस, अर्थात वहां कोई घर्षण नहीं होना चाहिए, उसे दोस्तों आप बहुत ही पतली स्ट्रिंग को जो कि मासलेस होती है, मासलेस कहने का मतलब है जो बॉब होगा, जो यहाँ पर आपने पदार्थ को बांधा होगा दोस्तों उसका द्रव्यमान एम होगा, तो इसकी तुलना में दोस्तों ये बिल्कुल मासलेस होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा फोर्स करेंगे
यहाँ से आपने थोड़ा बल दिया तो ये दोस्तों क्या करेगा, स्विंग करेगा, अर्थात ये घूमेगा इस प्रकार से। तो स्विंग करेगा तो दोस्तों यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से दोबारा यहाँ आएगा, तो इस प्रकार के लगातार पीरियड होंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों आप, पेंडुलम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। तो मान लीजिए लेंथ एल है स्ट्रिंग की, तो इसका जो वन पीरियड होता है दोस्तों यहाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, तो इसे आप वन पीरियड कहते हैं। तो वन पीरियड बराबर होता है दोस्तों आपका पीरियोडिक टाइम, अर्थात दोस्तों आप कहते हैं आवर्तकाल टी। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया। एक आवर्त को पूरा करने में जो लगा समय होता है वो आपका आवर्तकाल कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों टी बराबर क्या होता है, टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। जी आपको मालूम होगा गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जो एल है वो लेंथ है स्ट्रिंग की। तो यहाँ पर देखिए आप लेंथ को दोस्तों आधा कर दें, तो पहली बार में जो आपका टी है वो आपका ये वाला है। अब मान लीजिए जब आपने आधा कर दिया तो उसके बाद आपका जो टी आता है, टी डैश कर देंगे आप, बराबर क्या हो जाएगा टू पाई, एल को आपने आधा किया तो आपका एल बाई टू और अपॉन जी। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों ये क्या हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और आप क्या कर देंगे जो आपका वन अपॉन रूट टू है उसको आप अलग कर देंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब आप इसके स्थान पर क्या रख देंगे, टी को रख देंगे, तो आपको मिलेगा टी डैश बराबर, इसके स्थान पर टी आ गया और बचा आपका रूट वन अपॉन टू। तो आप देखते हैं दोस्तों पहले की तुलना में वन बाई रूट टू फैक्टर से दोस्तों ये आपका कम हो गया, अर्थात उससे यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो आप कह देंगे, तो आप कह देंगे दोस्तों डिक्रीज होगा बाई अ फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया बाई अ फैक्टर, अर्थात एक प्रकार से एक गुणांक के द्वारा दोस्तों ये कम हो जाएगा। जो गुणांक क्या है दोस्तों, एक बटा रूट दो है, अर्थात इतना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और ये बार बार पूछा जाता है, इसके आधार पर ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साफ आसमान वाली रात बादलों वाली रात से अधिक ठंडी होती है क्यों, अर्थात आपको बताना है क्लियर नाइट इज कोल्डर देन क्लाउडर नाइट बिकॉज ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप बात करें दो प्रकार की नाइट हैं, एक यहाँ पर आपका क्लियर है, क्लियर नाइट, और एक है आपका दोस्तों क्लाउडर, अर्थात यहाँ पर ये बादल हैं और यहाँ पर है साफ। आपको हमने बताया था दोस्तों यदि यहाँ पर जब अर्थ होती है, अर्थ का तापमान माना टी है, और एटमोस्फियर अर्थात जो आपका वायुमंडल है उसका तापमान आपने मान लिया टी टू, और यहाँ पर आप मान लें यहाँ पर भी वैसे आप बना लेंगे टी वन टी टू। अब जब रात की बात यदि आप करें दोस्तों, नाइट की बात करें, नाइट में क्या होता है, नाइट में दोस्तों टी वन जो होगा टी टू से बड़ा होगा, क्योंकि रात में इसका तापमान ज़्यादा होगा इससे। तो ऐसा होता है दोस्तों, क्या होता है उस समय जो टेम्परेचर होगा, जो हीट का फ्लो होगा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं रेडिएशन का फ्लो, रेडिएशन का फ्लो जो होगा दोस्तों वो कहाँ को होगा, T1 से लेके T2 की ओर, अर्थात जो आपका रेडिएशन होगा, जो हीट बहेगी दोस्तों वो T1 से लेके T2 की ओर बहेगी। ये आप जानते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि जो ऊष्मागतिकी का नियम कहता है वो कहता है कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, और वैसे यहाँ पर भी आपका हो जाएगा T1 टू T2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आपका आसमान साफ है तो क्या होगा, यहाँ पर जो वायुमंडल होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी अर्थात उसका जो घनत्व होगा, घनत्व या फिर आप कहें सघनता जो होगी दोस्तों वो कम होगी, और यहाँ पर यदि बादल हैं तो इसकी दोस्तों एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो होगी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, सघनता ज़्यादा होगी। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट को, रेडिएशन को, तो ये दोस्तों तापमान क्या होगा यहाँ पर का, ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर कम करेगा तो ये आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रीजन हो जाएगा, जो आपकी बादलों वाली रात है दोस्तों वो ज़्यादा गर्म होती है, तो ड्यू टू क्या कहेंगे दोस्तों आप, रेडिएशन, क्योंकि जो विकिरण होता है दोस्तों विकिरण को अवशोषित करने से ही आपका तापमान बढ़ता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों आपका, जो ग्रीन हाउस प्रभाव वाला आपको बताया था उसमें क्या था, उसमें दोस्तों आपकी जो CO2 गैस होती है वो सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन करती है किसका, रेडिएशन का, तो इसीलिए दोस्तों लगातार वायुमंडल का ताप बढ़ता रहता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो भी दोस्तों आपका कॉज क्या होता है उसका, उसका कॉज होता है दोस्तों CO2 के एब्जॉर्प्शन करने से बढ़ता है, और किसका एब्जॉर्प्शन करेगा ये दोस्तों आपका रेडिएशन का, या फिर आप कहें IR रेज का करता है। एक क्वेश्चन और इसके आधार पर आता है दोस्तों, हीट के आधार पर जो आपकी हीट ट्रांसफॉर्मेशन मेथडें होती हैं, या फिर आप कहें दोस्तों हीट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये दोस्तों आपकी तीन प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है कंडक्शन या फिर आप कहें चालन, और एक आपका होता है दोस्तों कन्वेक्शन अर्थात संवहन, और एक आपका होता है रेडिएशन अर्थात विकिरण अर्थात दोस्तों जो ऊष्मा का चालन होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, एक प्रकार से आप कहेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण दोस्तों तीन मेथडों के द्वारा होता है। पहले आपकी होगी दोस्तों कंडक्शन अर्थात चालन के द्वारा, ये दोस्तों आपका सॉलिडों में होता है, अर्थात जो आपके ठोस होते हैं उनमें दोस्तों कंडक्शन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वैसे आप बात करें दोस्तों कन्वेंशन अर्थात संवहन की, ये आपका होता है एयर में और वाटर में, अर्थात जल में और वायु में होता है,
और यदि आप बात करें रेडिएशन की दोस्तों, ये आपका होता है वैक्यूम, अर्थात जहाँ पर कोई भी आपका माध्यम ना होगा वहां पर भी दोस्तों रेडिएशन का यहाँ पर स्थानांतरण होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है दोस्तों, वो रेडिएशन के माध्यम से ही ऊष्मा यहाँ तक आती है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइबर प्रकाशिकी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात आपको बताना है फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर की, या फिर आप कहें फाइबर ऑप्टिक्स, जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स होती है दोस्तों, यदि आप दोस्तों इसकी वर्किंग प्रोसेस को देखें, प्रिंसिपल को देखें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो आपका एक प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो कैसे होता है। ये आपका N1 माध्यम है, ये आपका N2 माध्यम है, दो प्रकार के माध्यम आपने बनाए। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपका एयर है, यहाँ पर वाटर है, तो इससे आपको क्या पता लगेगा, पहले आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझिए, अर्थात जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए आपने कोई एंगल पर दोस्तों प्रकाश को डाला, ये आपकी इंसिडेंट रे है, माना एंगल थीटा 1 पर आपने डाला, तो यहाँ पर आप अभिलंब ले लीजिए दोस्तों, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इसका। मान लीजिए आपका यहाँ पर वाटर है, एयर है, तो जो किरण होगी अभिलंब से क्या होगी दोस्तों, दूर हटेगी, अर्थात थोड़ा सा नीचे को झुक जाएगी, तो यहाँ पर आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2। वैसे आप थोड़ा सा इसको और कम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका नीचे को और झुक जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए आप 90 डिग्री में पहुंच गए, तो इसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको आप बोलते हैं थीटा सी, या फिर आप कहें दोस्तों इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप इसको क्रिटिकल एंगल, अर्थात दोस्तों क्रांतीय कोण बोलते हैं, जहां पर दोस्तों आपका जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री हो जाता है, उसे आप बोलते हैं दोस्तों क्रांतीय कोण। अब इसको आप और कम कर दें दोस्तों इंसिडेंट रे को, अर्थात थीटा 1 को यदि आप और घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, और इसी के आधार पर दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है या फिर ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों वो कार्य करते हैं। उनमें क्या होता है, एक प्रकार से नली होती है दोस्तों, यहाँ पर पतली नली होती है, तो यहाँ पर प्रकाश का लगातार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इससे ही कार्य करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेजर में सभी परमाणु डेडेस प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, अर्थात इन अ लेजर ऑल द एटम्स एमिट द लाइट वेव्स ऑफ, किस प्रकार से दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप बात करें लेजर की, लेजर क्या है दोस्तों, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट के आधार पर कार्य करता है। यदि आप इसका फुल फॉर्म देखें दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इसको आप समझिए, इसको आप बोलते हैं दोस्तों प्रेरित उत्सर्जन भी बोलते हैं आप इसको। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई फोटोन को डाला, अर्थात दोस्तों आपने कोई प्रकाश की बीम को डाला, लाइट की बीम को डाला, रे को डाला, तो ये क्या होती है दोस्तों, माना आपका यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये आपका हायर स्टेट में चला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने दोबारा से बीम को डाला तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगातार डालते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लगातार ये प्रेरित होता रहेगा, अर्थात स्टिमुलेट होता रहेगा, और बहुत ज्यादा हायर लेवल तक दोस्तों एनर्जी के लेवल तक पहुंच जाएगा। तो इसी को दोस्तों आप बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, तो इसके ही कारण दोस्तों ये कार्य करता है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बढ़ता है आपको पूछा गया है, तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी दोस्तों, आवृत्ति भी बढ़ जाती है, और जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ये वाला आपका दूरी होती है, तो ये भी दोस्तों आपकी लगातार बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है एम्पलीट्यूड भी। और यदि आप बात करें दोस्तों इसका, यदि फेज की बात करें, फेज अर्थात जो आपकी कला होती है जिसमें चलती है, इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेवल करती है, तो ये भी दोस्तों लगातार क्या रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, तो आप कह देंगे दोस्तों ऑल ऑफ अबव, अर्थात ऊपर के सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे जब आप इसका एम्पलीफिकेशन कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन क्वेश्चन को करेंगे, तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।